आज हमारा टॉपिक जो है वो है बलों की स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत। ठीक है, बल जो बल चैप्टर चल रहा है, फोर्स चल रहा है, इसी में है बलों की स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत, या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस क्या कहता है कि अगर कोई द्रव्यमान है, ठीक है, द्रव्यमान मीन्स वो उसके जो कण हैं आपस में दृढ़ता से जुड़े हुए हैं, कोई दृढ़ पिंड है और उसके किसी बिंदु पे जो बल लगाया जाता है, तो जो बल लगाया जाता है जिस बिंदु पे लगाया जाता है और उसका जो लाइन ऑफ एक्शन होता है, बिंदु का जो क्रिया लाइन होती है उस पे किसी भी हर एक बिंदु पे वो बराबर बराबर बल होता है, या उस क्रिया रेखा के किसी भी बिंदु पे कार्य करता हुआ माना, जब बराबर बराबर होगा तो क्या होगा, कार्य करता हुआ माना जाएगा। ये कहता है ट्रांसमिसिबिलिटी स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत। इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन कही गई है वो है हमारी, वो कहा ये, इसका जो प्रिंसिपल कहता है एक दृढ़ पिंड पर कार्यरत किसी बल के क्रिया बिंदु को क्रिया रेखा के अनुदेश किसी दूसरे बिंदु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, यदि दूसरा पिंड दूसरा बिंदु पिंड से दृढ़तापूर्वक संबंध हो, अर्थात यदि कोई बल एक दृढ़ पिंड के किसी बिंदु पर कार्यरत हो रहा हो तो उस पिंड के अंदर उसकी क्रिया रेखा के किसी अन्य बिंदु पर लगा हुआ माना जा सकता है। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन जो कही गई है, तो माना कि ये कोई दृढ़ पिंड है, ठीक है, ये एक रिजिड बॉडी है, ये एक रिजिड बॉडी है, इस पे ओ एक ये बिंदु है, ओ बिंदु पे ये एफ बल लगाया गया है, एफ बल लगाया गया है। नियम क्या कह रहा है, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन होगा, ये बिंदु है, अगर दृढ़ पिंड है तो सारे कण क्या होते हैं, अब ये ओ कण है, इससे ये जितने भी कण हैं आपस में दृढ़तापूर्वक सब जुड़े हुए हैं, ठीक, इस तरीके से, पर जहां पे बल लगता है उससे जुड़े, उससे जुड़ा ये कण होगा, ये होगा, इस तरीके से, तो उससे जुड़े जो हम मान लो पैरेलल फोर्स लगा रहे हैं, लीनियर फोर्स ये लगा रहे हैं, तो इस लाइन में जितने भी बल लगेंगे, ठीक, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा क्रिया रेखा, ठीक है, या लाइन ऑफ एक्शन, तो आपस में दृढ़तापूर्वक जुड़े हुए हैं। अगर हम एफ बल यहाँ पे ओ पे लगाते हैं तो ये क्या करता है, जब ओ लगाते हैं तो क्या करता है, सभी पे एफ बल, मान लो हमने 5 न्यूटन का लगाया है, तो क्रिया रेखा पे जितने बिंदु होंगे सब पे ही 5-5 न्यूटन का लगेगा, ठीक। या और हमने अभी जो डिफिनेशन पढ़ी उसमें कहा गया है कि इस क्रिया रेखा के किसी बिंदु पे कार्य करता हुआ, ये एफ, यहाँ पे भी एफ मान लो हर बिंदु पे बराबर बराबर कार्य करता हुआ माना जा सकता है। कैसे माना जा सकता है, मान लो हम एक बिंदु ये ले लीजिए, ठीक, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, एक बल लगा दिए एफ, ठीक, सेम मैग्नीट्यूड का, ये भी 5 किलो न्यूटन का, बस क्या हुआ, इसकी हमने डायरेक्शन चेंज कर दी, डायरेक्शन चेंज कर दी, अब डायरेक्शन चेंज कर दिया ए बिंदु पे, अब देखो ये जो एफ लाइन ऑफ एक्शन दोनों सबका सेम है, ये बल एफ इसके प्रभाव को खत्म कर दे रहा है, जिससे ये दृढ़ पिंड जो है एक ही जगह स्थिर है। जब कोई वस्तु गति तब करती है जब जो मान लो किसी पर जितना बल लगे उतना प्रतिक्रिया बल ना लगे, प्रतिक्रिया बल कम लगे बल ज्यादा लगे तब वो बल वस्तु गति करने लगती है, अगर बल जितना लगता है और प्रतिक्रिया बल उतना समान होता है तो वस्तु क्या रहती है, स्थिति अवस्था में रहती है। अब ये स्थिति अवस्था में ये देखो ये बल लग रहा है, थोड़ी देर के लिए इसको हम भूल गए हैं, ये बल ए बिंदु पे ये लगा दी एफ 5 किलो न्यूटन का, ये एफ, तो ये मिलके जोड़ा बना रहे हैं और ये इसके प्रभाव को खत्म किए दे रहा है, ठीक है, ये इसके प्रभाव को खत्म किए दे रहा है, जब ये इसके प्रभाव को खत्म किए दे रहा है तो इसमें और जो तीसरा बल दिख रहा है वो क्या है, हमारा
क्योंकि ये हमने ये दोनों इसलिए जोड़ा दिखाया था, 5 किलो न्यूटन का ये भी है, जब ए बिंदु पे दोनों जोड़े लगाएंगे तो ये क्या होंगे, दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे और इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम थोड़ी देर के लिए इसको भूल गए, इस इनका इनका आपस में जोड़ा बना लिया तो ये इसके प्रभाव को नष्ट कर देगा, तब क्या बल यहाँ पे कौन सा बल लग रहा है, ये जिसको हम थोड़ी देर के नेगलेक्ट किए थे, ये इसके प्रभाव को नष्ट कर रहा है। अब ये वाला जो 5 किलो न्यूटन का बल था वो कहाँ पे लगने लगा, ए बिंदु पे लग रहा है, देखो 5 किलो न्यूटन का, ठीक है। तो इस लाइन ऑफ एक्शन के किसी भी बिंदु पे कार्य करता हुआ प्रतीत हो सकता है या कर सकता है, ठीक है। तो ए बिंदु पे वही 5 किलो न्यूटन का कर रहा है, इसी तरीके से अगर यहाँ पे बी बिंदु ले लें तो वहां भी सेम कंडीशन ये रहेगी, ये इसके प्रभाव को खत्म कर देगा, ये एफ यहाँ लगेगा, ठीक। तो ये कहता है हमारा बलों की स्थानांतरण सिद्धांत का सिद्धांत, ठीक है।